मेरी बेटी, पी ले दूध, जितना भी उतरेगा इतना मैं तुझे पिलाऊंगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बेटे को कभी भूखा नहीं देख सकती। लगता है घर में कोई नहीं है, एक औरत है। एक औरत को तो ये खंजरी काफी है। चलता हूं। यहां लेटी हुई है। कौन हो तुम? बता माल कहाँ है? माल? कैसा माल? हमारे पास तो कोई माल नहीं है। अगर हमारे पास माल होता तो मैं और मेरी बच्ची भूखी रहती। शायद तू नहीं जानती, मेरा नाम डाकू बवंडर सिंह है। बता माल कहाँ है? भैया, जब से इसकी बच्ची के पापा को वो गहने और वो पैसे बता कहाँ है। बोल। भैया, जब से इस बच्चे के पापा को डाकू ने मारा है, हमारे घर पर जेवर तो क्या, खाने को भी नहीं है। क्या? तुम्हारे पति को डाकू ने मार डाला? क्या नाम था तुम्हारे पति का? भैया, मेरे पति का नाम सुमित था। क्या सुमित था? उसका कोई फोटो वगैरह है? हाँ भैया, वो जो फोटो लगाया वो उन्हीं का है, और उनके जाने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। ये दर्द मार रहा छोटा। अरे पायल, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ा दर्द हो रहा है और उनको पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। ये दर्द ना मार कर छोड़ेगा। घबरावा ना, आ जाएंगे बेबी। अरे ये दर्द, भाग्यवान और तो कोई होते हैं। भाग्यवान क्यों, ये तुम भक्तों के, मुझे तो उस दर्द ने मार ली। अब हमें देख ले, हमारी शादी को 10 साल हो लिए, हमारा कोई बालक नहीं, हम तरसे इस दर्द को। कोई बात नहीं दीदी, घबराओ मत, सब हो जाएगा। क्या हुआ पायल, कैसा परेशान हो रही हो? ए जी, तुम एक काम करो, मेरठ चले जाओ और मेरी दवाइयां ले आओ। और हाँ, मुझे डॉक्टर ने कुछ फल फ्रूट बताए हैं, आप ना सेब चीकू वगैरह भी लेते हैं ना। ठीक है, मैं ला रहा हूँ अभी। चलो, चले तो गई दवाई लेने के लिए। चल ठीक है, अब तू आराम कर, मुझे भी चलना है, बहुत काम है घर पर।
अरे कोई है घर में? कोई है? हाँ जी, कौन? सुमित तुम्हारे पति का ही नाम है? हाँ जी। उसको कुछ गुंडों ने मार दिया है। क्या? कैसे? अभी तो यहाँ से फल वगैरह लेने गए थे। आ जाओ। अगर कोई इस रास्ते के एक भी आ गया ना, मेरा खाने पीने का पूरा इंतजाम हो जाएगा। यंको निकलो जल्दी, पर जम्मा रोड पर शॉर्टकट को। लगता है कोई आ रहा है, पहले इसको देखता हूँ। कोई मुर्गा आ रहा है, इसको देखता हूँ। चल तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस जंगल का राजा हूँ। राजा? तो फिर मेरे सामने क्यों आए हो? अगर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा तो शाम का खाना कहाँ से खाऊंगा? जल्दी से निकाल पैसे बाहर, वरना ये खंजर तेरे पेट के अंदर होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे इन पैसों से अपने घर वाले के लिए फ्रूट और दवाइयाँ लानी है। मुझे कोई मतलब नहीं है दवा से और फल फ्रूट से, मुझे पैसा चाहिए पैसा। अगर उसे समय पर दवाई ना मिले तो वह मर जाएगी। बाहर निकालिए पैसे, वरना ये खंजर तेरे पेट के अंदर। लगता है शायद ये मर गया, और मुझे लगता है इधर से कोई आ रहा है। और उससे पहले मैं एक काम करूं, इसी के अंदर पड़ जाता हूँ। ये कौन पड़ा? वो ये तो सुमित दिखे है। चल इनके घरों बताऊ जाके। क्या हुआ भैया, आप क्यों रोने लगे? कुछ नहीं बहन, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, कम से कम तुमने हमारे बारे में इतना तो सोचा, वरना तो आज मैं इस बच्ची को लिटा करके भीख मांगने जाती। बहन, तू इस भाई के होते हुए भीख मांग के लाएगी? नहीं, मेरे होते हुए मैं तुझे ऐसे नहीं करने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ और तेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा, सोया हुआ है दुकान में? या तो मान जा, नहीं ये सामान सारा लूट कर ले जाऊंगा। तू मुझे जानता नहीं, मैं यमराज हूँ। यमराज तेरे जैसों के प्राण लेने जानता हूँ मैं।
नहीं 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 भाई साहब, सामान ले जाओ सारा। छोड़ूंगा नहीं, ये सामान, ये पैसे निकाल के रख दे, और नहीं ये खंजर अंदर कर दूंगा। नहीं ले जाओ, ले जाओ भाई, ले जाओ। ये रही चीनी, ये रही चीनी, और ये है दाल, और ये भी दाल है, ये जीरा, ये कचरी, ये डब्बे, ये सामान, ये मंडन, ये माचिस, ये बाल तराजू भी नहीं छोड़ूंगा। मैं यमराज हूँ, यमराज। और बूढ़े, मैं जा रहा हूँ, और अगर किसी को जरा सा भी बोला तो समझ लेना तेरा अंजाम क्या होगा। और ये लाइट बंद कर कर सो जा, सो जा। ले बहन, मैं तेरे लिए और इस बच्चे के लिए परचून की दुकान फाड़ कर ये सामान लेकर आया हूं। भैया ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या बहन, तू और तेरा बच्चा भूखा रहता, मैं चोरी करके तो ला सकता हूँ। लेकिन भैया, चोरी किए हुए सामान को खाकर तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ठीक है बहन, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। मैं आज के बाद ये चोरी लूटा खसोटना बिल्कुल बंद कर दूंगा बहन। ठीक है भैया। ठीक है बहन, मैं कल मेहनत करके तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगा बहन। ठीक है भैया। दोस्तों, मैं आपका भाई डायरेक्टर सुशील बरवाला, अब मिलेंगे इससे अगले भाग में, पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।